कोरोना से पस्त हो चुकी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अब एक और अच्छी खबर आई है। दरअसल देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर को 18.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 560.715 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी की वजह फॉरेन करेंसी असेट्स यानी FCA में इजाफा रहा, जो कुल रिजर्व का बड़ा हिस्सा है। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खराब हो गई थी और इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP में करीब 24% की गिरावट आई थी। लेकिन हाल के दिनों में अर्थव्यवस्था के लिए कई अच्छी खबरें आने लगी हैं। मैन्युफैक्चरिंग PMI बढ़ा है, ईवे बिल में अच्छी बढ़त हुई है और GST कलेक्शन भी बेहतर हुआ है। इस बीच विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाना भी एक अच्छी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को इसके आंकड़े जारी किए हैं। RBI ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अक्टूबर को खत्म हुए सप्ताह में 18.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 560.715 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे पिछले 23 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.41 अरब डॉलर बढ़कर 560.53 अरब डॉलर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने की अहम वजह फॉरेन करेंसी असेट्स का बढ़ना है। FCA कुल विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा होता है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान FCA 81.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 518.34 अरब डॉलर हो गया। FCA को डॉलर में दर्शाया जाता है, लेकिन इसमें यूरो, पौंड और येन जैसी दूसरी विदेशी मुद्राएं भी शामिल होती हैं। इस दौरान देश का गोल्ड भंडार 60.1 करोड़ डॉलर घटकर 36.26 अरब डॉलर का रह गया। देश को IMF से मिला स्पेशल ड्राइंग राइट्स 60 लाख डॉलर घटकर 1.482 अरब डॉलर रह गया। वहीं इस दौरान देश का IMF के पास जमा मुद्रा भंडार 2.5 करोड़ डॉलर घटकर 4.64 अरब डॉलर रह गया। सरकार का कहना है कि टैक्स कलेक्शन में तेजी आई है और सरकार ने जो राहत पैकेज दिए हैं उससे आर्थिक संकेतों में सुधार जारी है। इसके अलावा सामानों के ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी ईबे बिल को निकालने की संख्या कोविड से पहले के स्तर पर आ गई है और ऑनलाइन पेमेंट में तेजी बढ़ी है। वस्तुओं की खपत या सेवा दिए जाने पर लिए जाने वाले GST के कलेक्शन में लगातार दूसरे महीने तेजी आई है।